दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 16 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दोस्तों झारखंड में 16 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ हेमंत सरकार ने यह छूट दी है कि अब 23 जिलों में दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। सैलून खोलने की भी छूट दे दी गई है। वहीं पहले जिन 9 जिलों में छूट नहीं मिली थी, अब उन जिलों में भी दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। केवल जमशेदपुर में राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई छूट नहीं दी है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, इसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राहत दी है। आपको बता दें कि झारखंड में आंशिक लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार ने 1 सप्ताह की और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी जानकारी मीडिया कर्मी को दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि को 16 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं जमशेदपुर को छोड़कर अन्य 23 जिलों में अब सुबह 6 से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि पूर्व के 9 जिलों में कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं थी, उसे यथावत रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में मनाई भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। दोस्तों आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमतों तथा नीतियों का लगातार विरोध कर अंग्रेजी हुकूमत को झारखंड से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए एक गौरव पुरुष के रूप में माने जाते हैं। झारखंड में वज्रपात का कहर, अलग अलग इलाकों में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। झारखंड के दुमका तथा रामगढ़ जिलों में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने की विभिन्न घटनाओं में एक बालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं लातेहार में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की एक घटना जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुंजबोना गांव में हुई, जिसमें शिवशंकर मुर्मू नामक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं उसके 2 मित्र बेहोश हो गए। तीनों शाम को टहलने निकले थे। जेपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अब नई नियमावली के आधार पर होगी परीक्षा। दोस्तों झारखंड सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा अब संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 7वीं 4 वर्षों वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 तक के लिए एक साथ ली जा रही है। विभिन्न सेवाओं में कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल फरवरी मार्च में ही आवेदन मंगा लिए गए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य सरकार ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षाओं में हुए विवाद को देखते हुए इस परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके लिए पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली गठित की गई। इसमें परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। झारखंड के 7 लाख बच्चों पर खतरे के बादल, 8,000 को पड़ेगी ICU की जरूरत। झारखंड में एक और जहां कोरोना संक्रमण धीरे धीरे थम रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैज्ञानिकों द्वारा एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी लहर में झारखंड के 5% बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। राज्य में 0 से 18 वर्ष के 1.43 करोड़ बच्चे हैं। यह भी आशंका है कि तीसरी लहर में लगभग 7,17,000 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इनमें भी 2.87 लाख सिम्पटोमेटिक हो सकते हैं। लगभग 3% बच्चों की स्थिति गंभीर होने का अंदेशा जताया गया है। झारखंड में 13 जून के बाद मानसून करेगा प्रवेश। दोस्तों झारखंड में इस साल मानसून समय से भारत में प्रवेश करेगा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष 13-14 जून तक दस्तक दे सकता है। जी हां, इसके साथ ही मानसून के आगमन के लिए बंगाल की खाड़ी में 11 जून तक एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार
बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून के आगमन को गति मिलेगी। वर्तमान में मानसून का असर लगभग पूरे दक्षिण भारत पर देखने के लिए मिल रहा है। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ की फसलों पर बढ़ाई गई MSP। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर MSP को अनुमति दे दी है। धान पर MSP में 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपये प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही बाजरा पर MSP बढ़ाकर 2150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल तिल के भाव में सबसे अधिक 452 रुपये प्रति क्विंटल की दर की वृद्धि की गई है। बढ़ती महंगाई पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बुधवार को कांग्रेस भवन में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार महंगाई के खिलाफ पार्टी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए जाने की रूपरेखा पर चर्चा हुई। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत पिछले 73 वर्षों में पहली बार तेजी से उसका पीछा कर रही है। रसोई गैस की कीमत ने महिलाओं के रसोई घर का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ व्यापक तौर पर कार्यक्रम चलाना जरूरी है। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए चल रहे अभियान में 2 सप्ताह में दी गई 6 लाख लोगों को वैक्सीन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान को लगातार गति मिल रही है। NHM झारखंड के पास उपलब्ध टीके के आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक झारखंड में वैक्सीन कवरेज 40,12,142 था, जो 8 जून की सुबह तक 46,07,189 डोज के कवरेज तक पहुंच गया। पूरे झारखंड में 2 सप्ताह के दौरान लगभग 6 लाख वैक्सीन की नई खुराक दी गई। 26 मई तक राज्य सरकार के पास कुल टीका की उपलब्धता 42,07,128 डोज की थी। इसमें से 40,12,142 डोज दिया जा चुका था। वहीं 8 जून तक कुल टीका डोज की उपलब्धता 46,76,990 थी। इसमें से 46,07,189 डोज दिया गया था। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, टाना भगतों के लिए विशेष टीकाकरण चलेगा अभियान। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगतों के लिए राज्य सरकार विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाएगी, उन्हें वैक्सीन से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टाना भगत आज भी बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें अपनी धरोहर मानती है, इसलिए राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें टीकाकरण का लाभ दे। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को कह दिया गया है कि टाना भगतों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर उन्हें टीकाकरण से लाभान्वित किया जाए। झारखंड में ब्लैक फंगस का मिला एक और मरीज, संख्या हुई 67। झारखंड में कोरोना के लहर के बाद अब ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस पांव पसार रहा है। झारखंड में ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया है। राज्य भर में कुल 67 व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 46 संदिग्ध हैं। वहीं 19 लोगों ने ब्लैक फंगस की वजह से जान गंवा बैठे। अब 15 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज हैं, बोकारो में 1, चतरा में 2, देवघर में 1, धनबाद में 5, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 16, गढ़वा में 0, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 1, गुमला में 0, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 2, लातेहार में 0, पलामू में 2, रामगढ़ में 4, रांची में 26, साहिबगंज में 1 भी नहीं। झारखंड में बच्चों पर विशेष ध्यान, जी हाँ, निःशुल्क बांटे जाएंगे ORS के 40 लाख पैकेट।
झारखंड में बच्चों को कोरोना से पहले डायरिया से सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य में बच्चों के लिए 40 लाख पैकेट बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईसी प्रभारी के अनुसार, जी हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि मॉनसून से पहले 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ORS के पर्याप्त पैकेट और जिंक की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा CHC हेल्थ सब सेंटर पर भी इनको पर्याप्त मात्रा में रखने और बच्चों के केयर संबंधी विशेष हिदायत दी गई हैं। झारखंड में 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। दोस्तों, कोरोना से बचाव के साथ साथ कुपोषण मिटाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह आरंभ कर दिया गया है। यह 1 जून से 30 जून तक पूरे झारखंड में चालू है। इस अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, बीमारी एवं संक्रमण से बचाव के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने पत्र जारी कर इस कार्यक्रम को 100% सफल बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कुपोषण मिटाने के साथ साथ कोरोना से बच्चों का बचाव जरूरी है। कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में हर हाल में भर्ती कराएं।